नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर यज्ञप्रिय पुआय ब्लॉग्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ देहरादून के एक प्रसिद्ध मंदिर टपकेश्वर महादेव के बारे में। आखिर क्या है टपकेश्वर महादेव का इतिहास, क्यों महाभारत काल से ही जुड़ा है इसके जल का रहस्य, तो आइए शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिसका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के देवभूमि में है जिसका इतिहास भारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देव स्वरूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यह भोलेनाथ को समर्पित गुफा है। इसका मुख्य गर्भगृह पर एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिव जी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा। टपक टपक एक ही शब्द है जिसका अर्थ बूंद बूंद गिरना। दोस्त नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे सुमंत्र पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां दूध नहीं पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौर बना दी और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिस वजह से प्रभु शिव का नाम टपकेश्वर पड़ा। कलयुग के समय इस धारा में पानी का रूप लिया, इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ दो शिवलिंग हैं। यह दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया। मंदिर के आसपास मां संतोषी की गुफा भी है। यह मंदिर टोस नामक नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में यह नदी तमसा नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने, यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंप पर स्थित है। सावन महीने के महीने में यहाँ मेला लगता है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में देश से विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर जाने के लिए सबसे नज़दीक देहरादून रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है। उत्तराखंड के पहाड़ की गोद में भगवान टपकेश्वर मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। यह मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाती है। नदी की कलकल धाराओं के बीच में से यहीं पास में एक छोटी सी माँ वैष्णो देवी की गुफा है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आप एक बार जरूर यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं, और साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको और नई चीज़ों के बारे में और नई जगह के बारे में हम अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।